गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करेंगे बिना मात्रा के शब्द। सबसे पहले करते हैं हम वर्णमाला। आपको पता है ना, हमारी वर्णमाला में 52 अक्षर हैं, है ना, जिनमें से 11 हमारे स्वर हैं। कितने हैं? 11। दो अयोगवाह और व्यंजन कितने हैं? 33, ठीक है, जिनमें संयुक्त अक्षर हमारे 4 हैं और अतिरिक्त वर्ण कितने हैं? 2। तो कुल मिलाकर 52 वर्ण हैं। ठीक है, तो इनको हम शुरू से करते हैं एक बार। आप भी मेरे साथ बोलेंगे। अ ठीक है, तो ये हमारे 52 अक्षर या 52 वर्ण, जिनको एक जगह सही क्रम में मिलाने से बनती है वर्णमाला। ठीक है, हमारी वर्णमाला में कितने अक्षर हुए टोटल? 52। कुल मिलाकर 52 अक्षर या 52 वर्ण होते हैं। ओके, जिनमें से स्वर की संख्या 11, अयोगवाह 2, व्यंजन 33, संयुक्त अक्षर 4 और अतिरिक्त वर्ण 2 हैं हमारे। ठीक है, तो ये है हमारी वर्णमाला। आगे चलते हैं। अमात्रिक शब्द बोलकर पढ़ो। दो वर्ण वाले शब्द, यहाँ पे देखो ये किस चीज का चित्र है? नल है ना। हाँ, यहां भी तो यही लिखा है, न ल, क्या बन गया? नल। ये देखो ये किस चीज का चित्र है? हाँ, ये है बस। तो यहां भी तो यही लिखा है, ब श, बस। आगे देखो किस चीज का चित्र है? घर का चित्र है ना, घर, घर, यही तो है। अब आगे चलते हैं। आगे देखो दो अक्षरों या वर्णों वाले शब्द। पहले क्या लिखा है? अ, और उसमें मिला दिया ब, अ ब, क्या बन गया? अब। क ब, क्या बन गया? कब, है ना। ज ब, जब। त प, तब। ह ल, हल। च ल, क्या बना? हाँ, चल। आप पढ़ो क्या है ये?
यस यस हाँ, पल, प, ल, पल, ये पढ़ो अपने आप। यस यस क, ल, कल। वेरी गुड। दो अक्षरों वाले शब्द पढ़ो। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, आपने इनको बारी बारी से पढ़ना है, ठीक है? ये क्या है? यस नग। ये देखो ये क्या है? यस मन। ये क्या है? खग। ये क्या है? तन। ये क्या है? जल। अरे वाह, आपको तो पढ़ना आता है, ठीक है? आप कोशिश करें इन सभी शब्दों को अपनी कॉपी में लिखो और इनको बार बार पढ़ो, ठीक है? सभी शब्दों को आपने लिखना है, ठीक है? वीडियो को रोकें, रोकने के बाद इनको अच्छी तरह कॉपी में साफ साफ लिखें, सभी शब्दों को लिखना आपने, ठीक है? जितने भी इस पेज पर दिए गए हैं उन सभी शब्दों को आपने कॉपी में लिखना है, ठीक है? अब आगे चलते हैं। तीन अक्षर यानी के तीन वर्ण वाले शब्द। अब इसमें देखो तीन वर्ण है ना, कौन कौन से हैं? देखो पहले शब्द को हम पढ़ते हैं। पहला शब्द क्या लिखा हुआ है? न ह र, नहर। उसके बाद देखो क्या लिखा है? ज ह र, जहर, ठीक है? ऐसे ही आपने सभी शब्दों को पढ़ना है और कॉपी में लिखना है, ठीक है? आगे देखो क्या लिखा है? अगर, अगर। ये क्या लिखा है? कमल, कमल। अमन, अमन। शहर, शहर। तो आपने इसी प्रकार इन सभी शब्दों को अपने कॉपी में लिखना है, ओके? आगे है चार पांच अक्षर वाले शब्द। अब इन शब्दों को देखो और पढ़ने की कोशिश करो। सबसे पहला क्या लिखा है? देखो उ ब ट न, उबटन। क्या हुआ? उबटन। दूसरा देखो उ प व न, उपवन। प ट क न, पटकन। ह ल ध र, हलधर। ठीक है बच्चों? तो आपने इन सभी शब्दों को कॉपी पर दो से तीन बार लिखना है, ठीक है? और इनको कम से कम 10 बार पढ़ना है और पढ़ के अपने मम्मी पापा को या भाई बहन को बताना है, ठीक है? अब आगे की एक्सरसाइज हम देखते हैं क्या है। पाठ पढ़। आपने इस पाठ को पढ़ना है। क्या लिखा है? अमन घर चल, अमन घर चल। सड़क पर मत चल, सड़क पर मत चल। अचकन पहन, अचकन पहन। यह खत पढ़, यह खत पढ़। शरबत चख। अदरक मत चख, अदरक मत चख। नटखट मत बन,
नटखट मत बन। ठीक है बच्चों, तो कैसा लगा ये पाठ? बहुत अच्छा लगा ना? वेरी गुड, इसे भी आपने कॉपी पर लिखना है। तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में आ की मात्रा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।